कुछ लोग आकर के मुझे बोलते हैं कि सर आपने पहले तो ये बोला था, अब उसी क्वेश्चन का आप कुछ और जवाब दे रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? होता है आपके भी कभी किसी के मन में ये डाउट आया है कि एक ही चीज पे मैं कभी कह रहा हूँ कि गोल सेटिंग करनी चाहिए, कभी मैं कहता हूँ गोल सेटिंग नहीं करनी चाहिए, एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि काल करे सो आज कर, एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि भाई थोड़ी प्यास बचा करके रखो, क्या हो रहा है ये, क्या कहानी है, क्या कहानी है? देखो समझो क्या हो रहा है, ध्यान से अगर इस चीज को आप नहीं समझ पाए तो जो एसेंस है ना, मतलब कि जो 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 पूरा इसका निचोड़ है आज के सेशन का, वो रह जाएगा। मेरे हाथ में इमेजिन करो कि एक बॉल है रेड कलर की। अब आप में से किसी ने पूछा कि ये क्या है, मैंने कहा ये बॉल है, तो आप में से कोई खड़ा होकर के बोला यार ये तो लाल है, आपने इसको बॉल क्यों कहा? मैंने कहा हाँ भाई लाल भी है। उधर से कोई दूसरा आया, वो कहता है यार आपने लाल तो बोल दिया, बॉल तो बोल दिया, आपने ये नहीं बोला कि गोल है, कि ये गोला है। मैंने कहा भाई गोला भी है। मतलब कि दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक हैं जो लीनियर चलते हैं सीधा सीधा, कि मतलब यहां पे घोड़े की तरह वो लगा लिया कि एक प्रॉब्लम है उसका एक ही सॉल्यूशन है। गेटिंग माय पॉइंट? कि मतलब एक प्रॉब्लम है उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और जो मैंने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। अरे ना भाई ऐसा नहीं है, एक ही प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने का एक रास्ता ये भी है, 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 डिपेंड करता है आप इन सब में से किस सिचुएशन में हो। आप यहां पर हो तो आपके लिए ये रास्ता है, आप यहां पर हो तो आपके लिए ये रास्ता है, यहां पर हो तो ये रास्ता है, ये खेल। मतलब कि जो भी कुछ मैं कह रहा हूं अपने किसी भी सेशन में, उसमें से आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ये देखना है कि जो मैं बोल रहा हूं उसमें से कुछ आपकी सिचुएशन से रिलेट हो रहा है नहीं हो रहा। हो रहा है तो उसको पकड़ो, उस पर चलो, नहीं हो रहा तो उसको छोड़ो। इसका मतलब आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए, क्यों उसमें दिमाग लगा रहे हो?